यहाँ पर आज हम फिर आपके लिए वो जो जोड़ वाला हम वीडियो लेकर के आए थे, पहला पार्ट, उसका हमने खात्मा तो अभी किया नहीं था, तो उसमें हमने बेसिक चीजें बताई थी, कैसे कैसे आपको स्टेप पकड़ना है, वो सारी चीजें उस पर हमने बताया था, समझाया था। तो कुछ बच्चों को उसमें समझ में आया, कुछ बच्चों को उसको बहुत मजाक लगा होगा, वो वीडियो देख लेना, अभी इंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा कौन सा था। तो उसको हम आज यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और आपको जोड़ जो है ना मन में करने लगेंगे, आपको जोड़ नहीं, कितना भी बड़ा जोड़ हो, कितना भी बड़ा जोड़ हो, आप मन में जोड़ देंगे, कभी कलम और पेन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये स्टेप को फॉलो करना है जो हम बताएंगे। एक चीज का आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस तो कर ही लेना है, कि यानी कि अगर मैं बोलूं आपके लिए, अगर बोलूं कि 8 दो तो बोलेंगे 10, बट अगर इसी को मैं इस तरीके से रिवर्स कर दूं कि 2 8 तो सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि पता है कि आप आपका माइंड जो है, माइंड केवल आपको दिमाग में यही चलता है कि कम दूरी तय करता है जल्दी, माइंड जो है कम दूरी तय करने में बहुत समय नहीं लेता है, जल्द से जल्द पहुंच जाता है। यानी 8 2 10, 8 को अगर आप 10 में ऐड करना है तो आप दिमाग लगे 8 के बाद 2 10, आप दिमाग में ये करते हैं कि 8 1 8 1 9 1 10, मतलब दिमाग बैठ जाता है कि 8 के बाद हमारा 2 ही जोड़ना है, 9 1 10। अगर इसी को मैं ज्यादा लंबा कर दूं कि 8 और 5 को ऐड करवाना चाहूं तो आप 8 5 13 कर देंगे, बट अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूं, इस तरीके से कर दूं कि 5 और प्लस 8 कर दूं, तब दिक्कत हो जाती है, दिमाग आपका नहीं बोलता है, ये चीजें आपको बैठ जाती हैं। अगर आपको कोई पूछे कि 8 प्लस 5 तो तुरंत आप बोल देंगे कि 8 5 13, 8 5 13, लेकिन अगर वो पूछ बोल दे कि 5 8 तो 13 आप नहीं बोल पाएंगे, जो कि वही चीज है, वही जोड़े, वही सब कुछ है, क्योंकि दिमाग जो खेलता है वो कम दूरी तय करना चाहता है। तो अपने दिमाग को थोड़ा विस्तार करिए, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाइए, ताकि आपको पकड़ करने की एक कलम आपके अंदर दिमाग में तेज है। तो ये चीजें आप ऐड करना सीखिए, अभी से छोटी से बड़ी ऐड करना सीख लीजिए, अगर ये चीजें सीख लेंगे आप, बड़ी से छोटे तो आप कर लेंगे, अभी कोई बोल दे 5 3 8 तो 3 5 8 हो भी होगा, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। तो इसको आप क्या करिए, बड़ी से आप छोटी से कोई भी कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 7 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा, 7 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, 2 की जगह 3 जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा, 9 में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 9 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा, 9 में अगर हम 3 भी जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा। तो हम बड़ी बड़ी संख्याओं को, जो हमारी ये 5 के बाद से 6 वाली इसके बाद है, 6 से जितनी भी संख्या, 6 7 8 9, 6 7 8 और 9, इन चारों संख्याओं में आप सभी संख्याएं ऐड करके देख लीजिए, इन चारों संख्याओं में आप सभी संख्याएं ऐड करके देख लीजिए, तब आप खेला देख लीजिएगा, इतना मजा आ जाएगा शायद आप सोचे नहीं होंगे। जैसे अभी आप इन सभी संख्याओं में क्या करना है, सभी को जोड़ के देख लेना है, ठीक है, तो एक बार जोड़ लेंगे, लेकिन अब क्या करना है, इसके पहले वाली संख्याओं को आपको ऐड करके देखना है, इसमें इसके पहले वाली संख्याओं को ऐड करके देखना है। जैसे आप देखते हैं ये चीजें आपको प्रैक्टिस करना है, ये तो आपको आ रहा आराम से, अगर 6 में जोड़ेंगे 6 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा, 6 में जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, इसी तरीके 6 में अगर हम और कुछ जोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। तो अब हम देखते हैं इनमें क्या करना है, इनमें आपको बड़ी बड़ी संख्याएं ही ऐड करना है, कौन कौन सी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या मत ऐड करिएगा, इसमें आप 6 से ही स्टार्ट करिए, 5 से स्टार्ट ही करिएगा, 6 से 5, 5 को ऐड करिए, फिर 6 को ऐड करिए, देखिए हम बता रहे हैं 6 के बाद 7 को ऐड करिए, 7 के बाद 8 को ऐड करिए, 8 के बाद 9 को, सभी में इसी तरीके से ऐड करिए, इन संख्याओं से आप खेलिए, एक बार आप खेलिए, देखिए आपका क्या नजरिया होगा, आपका क्या नजरिया होगा, आपको खुद ही नहीं एहसास होगा कि आप क्या कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसमें एन संख्याओं को ऐड करिए, सेम यही कंडीशन आपको ऐड करना है, जैसे आपको मिल जाता है एक में आपको क्या ऐड करना है, एक में एक बार ऐड करना है आपको किसको, ठीक है, आपको सीधा सीधा चलना है, 5 को ऐड करना है, 6 को ऐड करना है, 7 को ऐड करना है, 8 को ऐड करना है, 9 को ऐड करना है, फिर इसी तरीके 2 में जाइए, 5 को ऐड करिए, फिर 6 को ऐड करिए, फिर 7 को ऐड करिए, फिर 8 को ऐड करिए, फिर 9 को ऐड करिए, 3 में इसी तरीके से, 5 को ऐड करिए, 6 को ऐड करिए, 7 को ऐड करिए, 9 को ऐड करिए, इस तरीके से 4 में आप देखिए, 5 को ऐड करिए, 6 को ऐड करिए, 7 को ऐड करिए, 8 को ऐड करिए, 9 को ऐड करिए, 5 में आप ऐड करिए, 5 में 5 को ऐड करिए, 6 को ऐड करिए, 7 को ऐड करिए, और 8 को ऐड करिए, और 9 को ऐड करिए, इसी तरीके से 6 में ऐड करना। ये चीजें आपको छोटे से सीखना है, छोटी तरफ से, बड़ी तरफ से नहीं सीखना है, बड़ी तरफ से आप मत सीखिएगा कभी, बड़ी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, मैंने बोला ना कि आपको बैठ जाएगा, अब इसमें ऐड करना सीखिए, जैसे 6 में 5 करें, 6 5 11, 6 6 12, 6 6, अब देखिए 6 7 बोलेंगे ना, 6 6 12, 6 7 13, दिमाग में नहीं बैठेगा, अगर 7 6 बोला जाए तो बैठ जाता है,
इस तरीके से आप इन छोटी संख्या को आप यहाँ पर इनको पकड़िए और इनमें सब ऐड करके इस तरीके से आप इसको रट लीजिए कि दिमाग में आपका दिमाग तुरंत फेड हो जाए, दिमाग इस तरीके से फेड हो जाए ना कि पूछो ना। और जब आपका दिमाग बोलने लगे इस तरीके से, क्या बोलने लगे, ये बोलने लगे दिमाग आपका, क्या बोलने लगे, मैं बोल रहा हूँ दिमाग आपका क्या बोलने लगे, ये बोलने लगे कि आपका यहाँ पर क्या हुआ, 11 हुआ, यहाँ पर 12 हुआ, यहाँ पर 13 हुआ, यहाँ पर 14 हुआ, यहाँ पर 15 हुआ, यहाँ पर 16 हुआ, यहाँ पर 17 हुआ, यहाँ पर 18 हुआ, यहाँ पर 19 हुआ, यहाँ पर 20 हुआ, कुछ इस तरीके से। तो 20 होने की जरूरत नहीं, इतना हुआ। इनमें से आपको जो कुछ भी हो रहा है देखेंगे, 11 हो रहा है, इसमें से आप निकाल लीजिए, क्या निकालना है, 10 को आप निकाल लीजिए और 1 को आप अलग कर दीजिए। सेम ऐसे ही 10 को इसमें अलग कर लीजिए, 2 को अलग, ऐसे ही सभी में। इसमें कितना अलग होगा, 3 अलग होगा, इसमें कितना अलग होगा, 4 अलग होगा, इसमें कितना अलग होगा, 5, इसमें कितना होगा, 6, इसमें कितना होगा, 7, और इसमें कितना होगा, 8, इसमें कितना होगा, 9। दिमाग में बैठ जाएगा ना। अभी मैं बोलूँ 15, 15 मतलब है 10 और 5 है, 15 मतलब क्या है, 10 है और 5 है, पता है कि 5 इसमें बचेगा। हमें बोले जाए 19, 9 बचेगा, बोला जाए कि 18, 8 बचेगा, बोला जाए 17, इसमें 7 बचेगा। हर बार दिमाग में बचेगा इतना और जाएगा कितना, 10, जाएगा कितना, 10, दिमाग बैठ गया ना। अब इसको मैं ऐड करवाना सिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर 37 है प्लस 2 है, दिमाग बैठाइएगा, इसको आपको 37 2 जोड़ लेंगे, 37 38 39, बहुत जरिए इस तरह नहीं जोड़ना, इस तरीके से मत जोड़िए, इस तरीके जोड़ कर ही तो आप गलत किए हैं। इस तरह 37 और 2 को जोड़ना है, 37 2 को कैसे जोड़ना है, आप इसमें देख रहे हैं कि 30 है और 7 2 9, 30 9 39 हो गया, 30 9 39। यहाँ पर मैं दे दूँ इस तरीके से 15 प्लस 24, तब दिमाग में बैठाइए। देखिए अब इसमें आपको ना, ये 1 और 2 को ऐड करना है, 1 और 2 को 3 जोड़ेंगे और 5 4 9 जोड़ेंगे, मतलब इस तरीके से दिमाग बैठाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं दे दूँ आपको 74 और प्लस यहाँ पर 78 87 में दे दूँ, कितना दे दूँ, 87। अब यहाँ पर इसको देखना है, 8 7 15 और 1 0 ऐड कर देंगे, हर बार 1 0 ऐड कर देना है दिमाग में, हर बार 1 0 ऐड कर देना है दिमाग में बैठा, ये दिमाग में बैठाना है। मैंने 15 बोला था, इसको 150 बना लिया, बना लिए ना। और यहाँ पर 7 5 मैंने बोला था 12, 7 5 12 मैंने बोला था कि 12 का मतलब 2 हमारा बचेगा, 12 का हमारा 2 बचेगा, और ये जो 10 है इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने बोला देखिए 8 7 15 15 मतलब 150, 10 और उसमें का 10 150, 160, 160 और 2 162, कितना हो जाएगा, ये देखिए मैंने इसको 10 किया था, इसको मैंने 2 किया था। अब ये काम आपको दिमाग में ही बैठा, ये काम दोनों दिमाग बैठा, और ये दो जो हमने अलग निकाला था उसको आपको जोड़ देना है। वैसे बस देखिए मैंने 7 7 और 8 को मैंने ऐड करा, यहाँ पर मैंने बोला था कि 7 6 के 7 ऐड करिए, 7 के 7 है, सभी को इनको हर तरीके से ऐड करना सीखिए, क्योंकि आपको अगर ये पता हो जाएगा कि 4 5 9 और 4, देखिए 4 5 9 4 6 आपका 10 और इसी तरीके 4 7, देखिए 4 में आप 7 जोड़ रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, 4 में 7 जोड़ रहे हैं तो आपको अगर 7 4 बोला जाए 7 4 11, कितना सरल है, लेकिन 4 में 7 जोड़ेंगे 4 7 11 नहीं बन रहा है ना। प्रैक्टिस कर लेंगे तो बनने लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो, अगर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से बन जाएगा, याद रखना। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि 16 मतलब यहाँ पर 10 निकाल लेते हैं, 6 को बचा के रखते हैं हमेशा दिमाग में, ऐसे यहाँ पर किए थे 8 7 क्या किए थे, 15 मतलब 150, और हमें पता है कि 4 7 आपका कितना होगा, 4 7 आपका पता है कि आपका कितना होगा, 12 होगा, और 12 में हमारा 10 निकलेगा तो 10 इसमें ऐड होगा, मतलब 150 तो पहले था, एक 10 और ऐड करेंगे 60 होगा, 2 62 होगा। चलिए हम और खास तरीके से करते हैं, यहाँ पर हमारा 87 था, यहाँ पर हमारा 12 है, अब पता है ये है हमारा 80 10 90 90 और ये 7 2 9, तो इस तरीके से 99 करेंगे, देखिए इस तरीके से 99 तुरंत करेंगे। अब ऐसे नहीं 7 और 2 9 8 1 9, इस तरीके नहीं करना है, हमें इस तरीके से 80 10 90 और 7 9 99। चलिए और फास्ट तरीके से करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 13 प्लस यहाँ पर 18, देखिए 10 10 20 और 10 30, 1 1 30 कैसे किए मैंने, ठीक है। देखिए 10 10 20 और यहाँ पर 8 3 11, मुझे पता था कि 3 और 8 11 होता है, 3 और 8 यहाँ पर मैंने ऐड किया तो 3 8 11 हो, और 11 का मतलब पता है कि 10 इसमें कभी निकला, 1 बचा है, तो मैंने क्या किया था 10 10 20 और इसमें का 10 30 और 1 1 30, इस तरीके से किया। और फास्ट तरीके से करना सीखिए, दो दो अंक को ऐड करना, जितनी जल्दी आप ऐड करना सीखेंगे उतना ही फास्ट काम होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर जैसे 56 प्लस 91, तो देखिए अब इसको आप 5 और 9 को ऐड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप छोटे से बड़े में देखिए, तो अगर भी बोला जाए कि 9 यहाँ पर करते 5 यहाँ पर, जल्दी हो लेते इस तरीके से, 9 5 आपका पता होगा कि 14 हो गया, 9 5 कितना हो गया 14, पता है कि 14 मतलब 140 हम समझ लेंगे, 14 का मतलब 140 समझ लेंगे, इसको समझने में देर नहीं लगाना, आपको तुरंत दिमाग में समझना है कि
इस मतलब 9 5 14 या यानी 5 9 14 मतलब कि 1 0 ऐड कर दी हमने, क्योंकि एक अंक अभी इसमें बचा है जोड़ने को, तो एक अंक 1 0 उसमें लगा दीजिए, मतलब 140 हो गया है, 140। और इसको भी नजर, अच्छा एक को आपको इस नजर से उसको जोड़ते जोड़ते ही आप इनको नजर डाल देना है कि हाँ ये आपका कैरी वाला है कि नॉर्मल है, कैरी वाला है कि नॉर्मल है, मतलब 10 तक है कि 10 के बाहर वाला है, जैसे 11 का है, 10 तक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 10 के अंदर ही है क्योंकि 6 एक साथ ही तो होगा। तो इस तरीके से पता चला कि 5 और 9 जोड़ते हैं 140, 140 और ये 7 47, ठीक है, इस तरीके से कर देना। और यहाँ पर हम इसी तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से देखिए 6 4 10 मतलब 100, और 7 3 10 आपको पता है 7 3 10 केवल 10, केवल 10, तो इसका मतलब हमारा 100 वो 10 ये 110 हो गया, इस तरीके से 110 हो गया। अब इसको हम जोड़ करके आपको बताने में टाइम लग रहा है, बट आप जैसे करने लगेंगे आप बहुत फास्ट ही करेंगे, पता है जैसे ही आप इसको करने लगेंगे, यहाँ पर मैं कोई भी संख्या ले लूँ, जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा, अब ऐसे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि 3 8 आपका 11 मतलब 110, और 8 8 16 10 उसमें तुरंत ऐड कर लेता हूँ, 10 तुरंत ऐड कर लेता हूँ दिमाग में से, मैंने इसको समझ लिया कि 3 8 हमारा 11 हो गया है, 3 और 8 हमारा 11 हो गया मतलब 110 हो गया है। अब 110 में हमें केवल इसमें का 10 भी बना है, क्योंकि हम ये नजर से पहले देख लिया कि ये 16 बन रहा है, 10 इसमें पहले एक, तो 110 को हम जैसे ही ऐड करेंगे 10 उसमें 120 होगा, और उसमें 6 बच रहा है, 16 में हमारा 6 बचेगा, इसलिए इसको देंगे। तो देखिए 3 8 है, 3 8 क्या करेंगे 111 मतलब 111 और 110 जिसको बोलते हैं, मतलब 0 उसमें ऐड कर लेंगे, तो 3 8 11 मतलब 110 प्लस 8 8 16 मतलब 10 प्लस 6 ऐसे, तो देखिए 110 20 26 कितना हो गया, 110 20 126। अब ऐसे भी 8 8 16 6, 8 3 11 12, तब भी वही हो रहा है, मतलब आ यार आप इस तरीके से ऐड कर रहे थे, इसको आपको बहुत इजी इस तरीके से लग रहा है क्योंकि आपने इसको पहले जीवन भर से किया है। अगर आप इस तरीके से करना सीख लीजिए, 1 महीने आप प्रैक्टिस कर, 1 महीने प्रैक्टिस नहीं करना है, मतलब तो अभी जोड़ घटाना गुणा भाग सारे प्रोसेस आएंगे, तब आपको 1 महीने 2 महीने लगेंगे, लेकिन यहाँ इसको करने में आपको 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन करने लगेंगे और यूज करने लगेंगे, आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, वो सारी चीजें आपको बैठ जाएंगी जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए और हम बताते हैं, अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँ, जैसे यहाँ पर 126 और प्लस यहाँ पर इतना बड़ा, अब देखिए इसमें 100 वाला भी लिया हूँ, इसमें इसमें, तो 100 वाले में क्या काम करना है, इसमें से आपको जो ये जो आपका एक अंक है ना, इसको हम अलग से ऐड कर लेंगे, इसको हम अलग से ऐड कर लेंगे, दिमाग अलग लगाना है, तो बहुत ईजी तरीके दिमाग लगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको हम देखते हैं ये वाली जो संख्या है, इसको इसमें अगर हम ये एक अंक जो देख रहे हैं, दो इसका दो फार्मूला होता है, दो फार्मूला मतलब ये अगर हम इसमें का एक ले रहे हैं, इसमें तो है नहीं, इसमें 3 अंक तो है नहीं, एक ले रहे हैं तो इसको हम 100 मान के चलेंगे, ये भी 2 3 अभी पता है, 2 और 3 क्या होगा 5 होगा, मतलब ये हम 50 मान के चलेंगे, और 6 6 12 मतलब इसको हम 10 और +2 मान के, ये दिमाग में फिट, इसको दिमाग में फिट करके चलना है, इसको मतलब एक इसमें तो है नहीं, 100 50 ऐसे दिमाग में बैठे, नजर काम करेगी अपने आप, दिमाग काम करेगा, 100 50 10 2 12, 100 50 150 160 162, कितना हो गया 162। अब इसको आप ऐड भी करते तब भी वही होता, 6 6 12 3 2 5 1 6 1, वही हुआ ना। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या होता है, हम इसमें का एक अंक ले रहे हैं, लास्ट में इसमें एक अंक छोड़ रहे हैं, एक अंक छोड़ रहे हैं, तो इसमें भी एक अंक छोड़ रहे हो, तो ये है 12 और ये है 3, देखिए दिमाग डालिए, 12 3 15 देखिए दिमाग, 12 3 15 मतलब 1 0 बढ़ा, क्योंकि एक अंक छोड़ रहे थे 1 0 बढ़ा, 12 3 15 6 6 12 और 10, अब इसको ऐड करिए इसमें और तब जो दोगे तब भी वही होगा 162, तब भी वही होगा 162। तो आप किसी भी तरीके से जोड़ना सीखिए, बहुत फास्ट तरीका होता है इन सब कुछ चीजों को सीखने के लिए, क्या है कि हम यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेसिक क्लास लेकर के आए हैं जो कि बच्चों के लिए जरूरी है, चाहे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो जरूर मेरे चैनल पर स्टे होइए, ये सारी चीजें मैंने छोटी छोटी स्टेप में बताया, तो इसको आप पहले दिमाग में फीड कर लीजिए इस तरीके से, और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी आपके मैथ्स को। तो मेरे सेकंड चैनल को भी देख लीजिए, अगर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, और इन स्क्रीन पर आपको बहुत सारी वीडियो भी मिल जाएंगी, उसको भी देख लेना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सारी प्लेलिस्ट भी है, सभी ज्वाइन कर लीजिए, कोई कमेंट करना हो टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ पर कमेंट करिए आपका, और हमारा चैनल भी है, और व्हाट्सएप नंबर तो मिलता रहता है, वहाँ से भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा लगा वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर देना है आपको जो भी हो सके, बाकी
आपकी इच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। इसका भी तीसरा पार्ट आएगा जिसमें तीन चार संख्याओं को बहुत इसका एकदम दिमाग में जब तक आपके आना जाए, पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा, एडिशन जो है आपका मानी जोड़ जो है दिमाग में गूंजने लगेगा। ऐसे देखते ही आप, ऐसे देखते ही इन सबको जोड़ ले, इतने बड़े जोड़ तो जोड़ दिख रहा है ना, आप इसको इस तरीके नहीं जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते हैं। देखिए अब ये मैंने क्यों सीखे, देखिए यहाँ पर 6 5 11 आपको पढ़ लेंगे, 11 तो 11 में आपको यहाँ पर क्या करेंगे, पता हो गया कि हमें 10 लेके चलना है, क्या करना है, 10 लेके चलना है। तो 11 में यहाँ पर तुरंत हम समझ लेंगे कि अभी 11 तो हम तुरंत चलेंगे 11 में, अभी हम अब 1 में 6 जो 11 में हमारा लास्ट में 1 मिल रहा है, फिर 6 मिल रहा है, 1 6 7 मतलब 17, फिर हमारा 7 और 8 है, 7 और 8 का खेला हम समझ लेते हैं, 7 और 8 का खेला क्या होता है कि हमारा 15 होता है, 15 को हम पता है कि उसको 5 बाहर जाएगा, 10 उसमें ऐड कर लेते हैं, जो हमारा यहाँ पर 10 बना था उसमें 10 ऐड। तो ये चीजें आपको जितना भी इसको जोड़े रहेंगे उतना दिमाग काम करेगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब समझ में आएगी, बहुत बड़ा बड़ा जोड़ बताएंगे। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।